सैम जो एक गाइडेंस काउंसिलर है उस पर दो लड़कियों के रेप का इल्जाम है। इसी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इसके पीछे बहुत सारे राज है। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे मूवी वाइल्ड थिंग्स ये 1998 की एक थ्रिलर मूवी है। अगर आपको मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद है तो मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें स्कूल दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैम एक गाइडेंस काउंसिलर था। आज स्कूल में डिटेक्टिव रे और उसकी पार्टनर आई हुई है। सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम्स है इसे लेकर इनसे वो बात करने वाले थे। रे ने सब कुछ बताना स्टार्ट करता है तभी स्टूडेंट में से एक सुजी नाम की लड़की उठ गई। उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। बाद में रे की पार्टनर उससे पूछती है तो हमें पता चलता है कि सुजी ड्रग्स करती थी। रे ने उसे पकड़ा था और उस वजह से उसे 6 मंथ्स के लिए जेल में जाना पड़ा। इसी वजह से उस पर गुस्सा थी। इसके बाद सैम को हम एक बोट सेल करता हुआ देख सकते हैं। उसने अपने ही बोट पर अपने एक स्टूडेंट को भी काम दिया था। एक दिन सेल कर वापस आए तो केली ने सैम को अप्रोच किया। केली सैम की एक स्टूडेंट है और हमारी और एक मेन कैरेक्टर। केली पूछती है क्या वीकेंड्स पर मैं आपकी कार वॉश कर सकती हूँ। वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी पर फिर भी सैम हाँ कह देता है। केली यहाँ सैम से फ्लर्ट कर लिफ्ट भी मांग लेती है। जब सैम ने केली को घर पर छोड़ दिया तो केली की मदर बाहर आई। केली की मदर और सैम के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है ये दोनों ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं। वो उसे घर में बुला रही थी वह सैम वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वीकेंड आया और केली अपने फ्रेंड के साथ सैम की जीप वॉश करने के लिए आई हुई थी। इस टाइम सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जेलस हो गई थी। कार वॉश होने के बाद केली सैम से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि हमें कूपन्स दोगे। सैम कहता है मुझे ढूंढना पड़ेगा। जब ये ढूंढने के लिए सैम घर में जाता है तो केली ने अपने फ्रेंड को जाने के लिए कहा। वो अब उस पर मूव करने वाली है। वो अंदर गई और यही शॉट खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में वो डिस्टर्ब होकर घर से भागते हुए हम देख सकते हैं। अगले दिन केली स्कूल नहीं गई तो उसकी मदर बहुत ही वरीड थी। उसने सैम को कॉल लगाया। सैम कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। केली की मदर कहती है कभी कभी यहाँ आया करो। उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती थी। सैम अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है। केली की मदर कहती है इस टाउन में तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें कोई भी लड़की सीरियसली नहीं लेगी। यही बात जब चल रही थी तो केली की मदर को केली नीचे शूटिंग करती हुई दिखी। केली आज बहुत गुस्सा है। उसकी मदर उसे पास आए और पूछा ये हुआ क्या है। केली रोने लग गई। कहती है मैं डैड को बहुत मिस करती हूँ। केली की मदर उसे सहारा दे रही थी तो उसने कहा कि सैम ने मेरा रेप किया है। इस पर मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। यहाँ पर डिटेक्टिव रे और उसकी पार्टनर थे। इन्होंने सबको बाहर निकालकर केली की वीडियो टेस्टिमोनी ली। केली कहती कि सैम ने मेरा रेप किया और फाइनली कहा कि कोई भी छोटी लड़की मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। केली के जाने के बाद सब लोग ये टेप एनालाइज कर रहे थे। रे की पार्टनर को लगता है केली झूठ बोल रही है। वहां पर एक प्रोस्टिक्यूटर भी था। सैम की ऑलरेडी इस टाउन में इमेज बहुत खराब है तो उसे वो दोषी मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। सैम के स्कूल में आने के बाद उसे भी पता चल गया ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बताकर सब बातें कंफर्म करता है। केली की मदर बहुत ही पावरफुल है तो कोई भी उसे झूठ नहीं ठहराना चाहता। सैम वरीड था क्योंकि इस तरह की बातें हमेशा लोगों को याद रहती है। इसके बाद वो एक अच्छे से लॉयर के पास आया। इसका नाम है केनेथ। केनेथ ने सैम से पूछा कि तुमने सचमुच कुछ किया है। सैम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केनेथ ने कहा तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सैम की जो एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड थी उसे से मिलने के लिए एक होटल में आया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके फादर भी आए और उन्होंने सैम को धमकाया मेरी बेटी के आमने सामने दिखना भी मत, वो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। एक बार से सैम जब रात में घर जा रहा था तो उसकी गाड़ी पीछा कर दिया। उसने पीछे से उसे टकरा दिया जिससे उसकी गाड़ी पानी में चली गई। यह आदमी उसके पास आया और सैम को बहुत मारता है। सैम ने भी उसे मारकर पीछा छुड़वा लिया। हम नोटिस करते हैं कि आदमी केली की मदर का एक फ्रेंड था। सैम अपने ही घर में बहुत ज्यादा डर चुका था। सैम ने केनेथ को बुलवाया पर केनेथ भी कहता है केली की मदर बहुत ही पावरफुल है, हम एक्चुअल में कुछ कर भी नहीं सकते। सैम ने घर पर लोन लिया था पर केली की मदर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। अब वो लोग उससे उसका घर भी छीन लेंगे। केनेथ कहते हैं तुम बहुत ही क्लीन हो। जब केली के फादर की डेथ हुई थी तो ड्रग्स करते हुए पकड़ी गई थी और उसके खिलाफ तुम हो जो एक क्लीन गाइडेंस ऑफिसर है।
जूरी ये सब देखेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुजी ने पुलिस को बुलवाया हुआ था। ये रे पर गुस्सा तो है पर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, उन्हें वॉक पर लेकर जाती है। उसने कहा रे ने मेरा भी रेप किया था। इस सब बात से रे और उसकी कलीग ये दोनों सरप्राइज थे। वो उसे डिटेल पूछते हैं पर सुजी डिस्टर्ब थी। सुजी ने कहा कि सैम ने मुझे कहा था कोई भी छोटी लड़की मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यही बात केली ने भी कही थी। इससे कन्फर्म हो गया कि सैम गिल्टी है। उसे पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं और अब ट्रायल की डेट आती है। केली के साथ जो भी हुआ था ये सब उसे कोर्ट में बताना पड़ा। इसके बाद सैम का लॉयर केनेथ ये सुजी से क्वेश्चन पूछता है। सुजी ने भी कहा है कि सैम ने उसका रेप किया था, तो इसी वजह से केनेथ उससे क्वेश्चन पूछता है। सुजी कोई भी ट्रबल में आती थी तो हमेशा सैम उसकी मदद करता था, वो उसका एक अच्छा फ्रेंड था। जब सुजी ड्रग्स के लिए जेल में गई तो सैम ने उसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखा। केनेथ सुजी से पूछता है तुम्हारा जब रेप हुआ था उसके एक महीने बाद जब तुम ट्रबल में आ गई थी तुमने सैम को ही बुलवाया था, अगर उसने तुम्हारा रेप किया तो तुम उसकी हेल्प क्यों ले रही थी। सुजी के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था। केनेथ उसे प्रेशराइज करता है सब कुछ सच कहने के लिए। वो डिस्टर्ब हो गई और सब कुछ बता देती है। उसने कह दिया कि सैम ने कुछ भी नहीं किया, उसने केली का भी रेप नहीं किया है। केली और सुजी दोनों प्लान में शामिल थे, इन्हें सैम को सजा दिलवानी थी। केली सैम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर उसने मना कर दिया, इसी वजह से वो गुस्सा थी। सुजी का जेल में जाकर आने के बाद सैम ने उसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा, इसी वजह से वो हर्ट थी। इसीलिए ही वो केली की हेल्प कर रही थी और सबको सच सच पता चल गया। सैम का लॉयर केनेथ बहुत ही खुश था, कहता है अब हमें बहुत बड़ी सेटलमेंट मिल सकती है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ, वैसे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। केली की मदर के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था तो सैम के साथ उसे सेटलमेंट करनी ही पड़ी। इस सब इंसिडेंट के बाद सैम को स्कूल में सब लोग हेट करने लग गए थे, तो अपनी जॉब पर फिर से वापस नहीं जा सकता। जब वो अपना सब कुछ सामान लेने के लिए गया तो केली उस पर बहुत ही गुस्सा थी। वो उससे कहती है जो पैसे तुम्हें मिले ये मेरे फादर मेरे लिए छोड़कर गए थे, उसे अब हेट करती है। इसके बाद सैम होटल में आया तो वहाँ ऑलरेडी उसके रूम में केली थी। ये सब कुछ केस करना सेटलमेंट ये सब कुछ इनका ही प्लान था। केली को पता था कि मदर के पास बहुत सारे पैसे हैं पर जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे नहीं मिलते। ये सब फिर उसने सैम के साथ प्लान किया था। यही पर सुजी भी आ जाती है। ये तीनों पहले से इन्वॉल्व थे। सैम इन्हें वॉर्न करता है कि हम तीनों को एक साथ नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी दिनों के लिए वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हाजरा दे तीनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। डिटेक्टिव रे को इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने फिर सैम के अकाउंट्स देखे। सैम को मिले हुए 8.5 मिलियन डॉलर्स इनके तीन हिस्से उसने किए थे और ये सब पैसे उसने ऑफशोर अकाउंट में डाल दिए थे। सैम ने फिगर आउट कर लिया केली सुजी और सैम इन तीनों ने मिलकर यह सब किया था। उसे पक्का अंदाजा है ये चीजें अब इतनी सिंपल नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में रे केली के पास गया। उसे कहता है पैसों के तीन पार्ट अच्छे नहीं लगते, सैम और सुजी ये दोनों एक दूसरे के प्यार में है, तुम्हें वो मार डालेंगे। इन तीनों को वो डिवाइड करना चाहता था। यही करने के लिए रात में वो सुजी के पास भी गया। उसे कहता है कि सैम ने एक बोट खरीदी है, एक प्रॉपर्टी भी बाय कर ली, वो तुम्हारे साथ कोई भी शेयर नहीं करने वाला, वो केली के प्यार में है। इन सब बातों के बाद सुजी डिस्टर्ब हो गई थी, वो डायरेक्टली केली के पास आई। उसे शांत करने के लिए केली ने सैम को कॉल लगाया। सैम उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस सिर्फ हम तीनों में प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वैसे हम चलने देंगे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रे ने बाहर एक डिवाइस की मदद से ये सारी कन्वर्सेशन सुन ली। सैम के कॉल के जाने के बाद भी सुजी मान नहीं रही थी। वो केली से कहती है तुम भी अपनी मदर की तरह कैरेक्टरलेस हो। इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया। एक दूसरे को मारती है और मारने मारने में इंटीमेट हो जाती है। ये सब कुछ रे ने रिकॉर्ड कर लिया। अब वो अपने बॉस को ये सब चीजें बता देता है। उसने क्वेश्चनिंग के लिए ऑलरेडी सैम को भी बुला लिया था। बॉस कहते हैं तुम कुछ भी मत किया करो, तुम इल्लीगली उनके घर पर थे, इससे हम सब लोग बहुत ट्रबल में आ सकते हैं। सैम के खिलाफ उनके पास कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रे को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। एक रात केली सुजी को बीच के पास लेकर आई, वहां पर सैम भी था। इन दोनों ने मिलकर सुजी को ड्रंक कर दिया और सैम उसे मार डालता है। दोनों मिलकर बॉडी को रैप कर इसका ठिकाना लगा देते हैं।
एक दो दिनों बाद सुजी की ग्रैंड मदर ने रिपोर्ट किया कि वो मिसिंग है। रेने आसपास बहुत सारी क्वेश्चनिंग की। सुजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा बीच पर आया करती थी। इसी स्पॉट पर सैम और केली ने उसका मर्डर किया था, तो रेने आसपास सब कुछ जगह देखी। उसे फाइनली एक बोट पर सुजी का ब्लड मिल गया। उसके बॉस कहते हैं कि ब्लड सुजी का ही होना चाहिए, वरना तुम बड़े ट्रबल में आ जाओगे। रे की पार्टनर ग्लोरिया को हमेशा से लगता था कि सैम ने कुछ भी नहीं किया। वो आज रात उस पर नजर रख रही थी। सैम ने नोटिस कर उससे वो बात करता है। कहता है कि सुजी ऑलरेडी बहुत ट्रबल में थी। उसने दो लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके पास इसके सब कुछ एविडेंस थे। ग्लोरिया भी ये सब बातें मान लेती है। ग्लोरिया ने रे को समझाया सुजी किसी और चक्कर में थी, इसमें सैम का कोई भी हाथ नहीं है। रे आज रात केली का पीछा कर रहा था। उसने केली को अकेला देखा तो उसे बात करने के लिए चला गया। रूम के अंदर क्या हुआ यह हमें दिखाया नहीं जाता। कुछ बुलेट चलती है जिसमें रे जख्मी हो गया था और केली की डेथ हो चुकी थी। रे से सब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है कि जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। कुछ साल पहले रे ने और एक लड़के को मार डाला था, तब भी उसने यही बात कही थी। इन सब चीजों को इंक्वायरी की कमेटी ने नोटिस किया। उन्हें लगता है कि रे झूठ कह रहा था, उसे उसके जॉब से उन्होंने निकाल दिया। केली ने रे पर हमला किया और ऑलरेडी रे के पास केली और सुजी की टेप थी, तो सबको लगता है केली ने ही सुजी को मारा। अब केली की भी डेथ हो गई तो एक केस क्लोज हो जाती है। इसके बाद सैम बीच पर मजे कर रहा था। वो घर पर आता है तो वहाँ हम रे को भी देख सकते हैं। हमें पता चलता है रे और सैम मिले हुए थे, ये सब इनका ही प्लान था। प्लान में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी कि रे केली को मार देगा, पर रे कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने वो कर डाला। इस पर किसी को शक भी नहीं गया। सैम को ये बात अच्छी नहीं लगती। रे उससे पूछता है मेरे पैसे कहाँ है। सैम ने कहा कि बैंक को वायर करने में 2 दिन लगने वाले हैं, क्यों ना उतने टाइम तक तुम मेरे साथ बोट पर आओ, हम सेलिंग किए जाएंगे। रे को जरा शक गया और फिर भी इसके लिए वो मान जाता है। सेलिंग पर आने के बाद सैम रे को एक रोप टाइट करने के लिए बोलता है। रे इस पर था तो सैम ने बोट को टर्न किया, उसे नीचे गिरा दिया। उसे लगता है कि वो पानी में गिर गया, पर रे ऊपर ही था। इन दोनों में कड़ी फाइट चल रही थी, तभी रे को किसी ने एरो से मार दिया। सुजी अब भी जिंदा है और ये सुजी ही थी। सैम ने सुजी को मारने का सिर्फ प्रिटेंड किया था। ये दोनों फिर रे को पानी में डाल देते हैं। इस पूरे केस को लेकर रे की पार्टनर ग्लोरिया बहुत ही सस्पिशियस थी। ग्लोरिया फिर सुजी की ग्रैंड मदर के पास आई। उसने उसे पूछा क्या तुम रे के बारे में कुछ जानती हो। ग्रैंड मदर कहती है रे का कैरेक्टर बहुत ही खराब है। एक समर में उसकी यहाँ गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मारा करता था। उसी की गर्लफ्रेंड को और एक लड़का लाइक करता था। उसने रे को समझाने की कोशिश की तो उन दोनों में झगड़ा हो गया। रे ने उसे मार दिया और कहा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसे मारना पड़ा। सुजी ने रे को मर्डर करता हुआ देख लिया था। सुजी कुछ बोले ना, इसी वजह से उसने उस पर ड्रग्स प्लान किए, उसे जेल में डाल दिया। अब हमें पता चला कि यही रीजन था सुजी रे को क्यों हेट करती थी। सैम और सुजी के पास अब बहुत सारे पैसे हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए ये ड्रिंक करते हैं। सैम सुजी को लेकर भी सस्पिशियस था कि उसे ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर मार डालेगी। सुजी कह दिए कि बोट चलाना मुझे नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। सैम ने ड्रिंक किया तो सचमुच इसमें पॉइजन था। सैम के मरने के पहले सुजी उसे कहती है तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। अब इसका मीनिंग क्या था यह हमें फिर से ग्लोरिया और सुजी की ग्रैंड मदर की कन्वर्सेशन से पता चलेगा। सुजी की ग्रैंड मदर से ग्लोरिया को पता चला सुजी उसकी एक्चुअल में ग्रैंड मदर नहीं है। सुजी की मदर शोर पर ही काम किया करती थी, यही पर सैम छुट्टियां मनाने के लिए आया करता था। सुजी की मदर और सैम इन दोनों में रिलेशनशिप हुई। समर जब खत्म हुआ तो सैम उसे धोखा देकर वहां से चला गया। सुजी की मदर तब प्रेग्नेंट थी। सुजी के होने के बाद थोड़े साल में उसकी डेथ हो गई। इसी का बदला सुजी हमेशा सैम से लेना चाहती थी। बाहर ग्लोरिया ने नोटिस किया कि सुजी के अंकल के पास एक बहुत ही अच्छी सी गाड़ी है। वो इस गाड़ी से सुजी की बोट सेल करने के लिए लेकर जा रहे थे। ग्लोरिया कहती है मुझे पता नहीं था कि सुजी भी सेल कर सकती थी, यानी अभी अभी सुजी ने सैम को मारा तो बोट अकेली लेकर जा सकती है, वहां स्टक नहीं रहेगी। सुजी के अंकल कहते हैं कि वो हमेशा से बहुत स्मार्ट थी, उसका IQ 200 से ज्यादा है। उसने जो भी ठान लिया ये सब कुछ वो कर सकती है।
इसके बाद सुजी ने यह सब प्लान कैसे किया था यह हमें पता चलता है। एक दिन केली बार में सैम के साथ थी। इन दोनों ने ड्रग्स किए और ये इंटीमेट हो गए। सुजी ने इन दोनों की फोटोज ले ली थी। सुजी ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सैम को मजबूर किया। सुजी को तो ऑलरेडी पता था कि रे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसने सैम से कहकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। रे हमेशा से एक बहुत ही घटिया आदमी था। वो जब केली से मिलने गया था तो केली ने उस पर कुछ भी हमला नहीं किया, उसने डायरेक्टली केली को मार दिया था। अब मूवी के फाइनल सीन में हम केनेथ और सुजी को एक साथ देखते हैं। सैम को लॉयर केनेथ भी हमेशा सुजी के साथ मिलकर काम कर रहा था। सुजी को अब सब कुछ पैसे मिल चुके हैं, सबकी नजरों में वो डेड है, तो अपनी लाइफ फिर से वो सही तरीके से स्टार्ट कर सकती है। इसी नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। लाइक सुजी।